एक समय की बात है, एक दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर सी लड़की रहती थी। वह बहुत ही दयालु थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें उसके प्रति क्रूर थी और उससे घर का सारा काम करवाती। सिंड्रेला को घर की सफाई करने, नाश्ता बनाने और कपड़े धोने के लिए हर सुबह जल्दी उठना पड़ता था। उसे खलियान और बगीचे के जानवरों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। तमाम कड़ी मेहनत के बावजूद सिंड्रेला हमेशा खुश मिजाज थी। उसने अपने जीवन के बारे में कभी शिकायत नहीं की और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपने बेटे राजकुमार के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। सिंड्रेला की सौतेली बहनें सहित राज्य के सभी युवा महिलाओं को आमंत्रण किया गया। सिंड्रेला पार्टी को लेकर उत्साहित थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके पास करने के लिए बहुत सारा काम है और उसके पास पहनने के लिए कोई पोशाक भी नहीं है। सिंड्रेला का दिल टूट गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उस शाम जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकली, सिंड्रेला की परी माँ प्रकट हुई। परी माँ ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के चितड़ों को एक सुंदर से गाउन में परिवर्तित कर दिया। उसने सिंड्रेला को एक जोड़ी कांच की चप्पलें और एक कद्दू गाड़ी भी दी। सिंड्रेला ने परी माँ को धन्यवाद दिया और जल्दी से पार्टी में चली गई। जब वह वहाँ पहुंची तो हर कोई उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। राजकुमार सिंड्रेला से विशेष रूप से प्रभावित हुए और उसने रात भर उसके साथ नृत्य किया। सिंड्रेला को इतना मज़ा आ रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई है। आखिरकार जब उसने घड़ी देखी तो उसने देखा कि लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसे परी माँ की चेतावनी याद आ गई और वह पार्टी से बाहर भाग गई। जैसे ही वह महल के सीढ़ियों से नीचे भागी, सिंड्रेला ने अपनी एक कांच की चप्पल खो दी। राजकुमार को वह चप्पल मिल गई और उसने उस लड़की को ढूंढने का आदेश दिया। अगले दिन राजकुमार के आदमी युवा महिलाओं के कांच के जूते आजमाने के लिए राज्य के हर घर में गए। जब तक वह सिंड्रेला के घर नहीं पहुंचते, किसी के पैर में चप्पल फिट नहीं हुई। सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने जबरदस्ती उनके पैरों में चप्पल डालने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटी थी। सिंड्रेला फिर आगे बढ़ी और चप्पल पहनने को कहा। चप्पल बिल्कुल फिट हो गई। राजकुमार अपना सच्चा प्यार पाकर बहुत ही खुश हुए। कुछ सप्ताह बाद उनकी और सिंड्रेला की शादी हो गई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दयालुता और अच्छाई को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।